एसटी समुदाय को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा 2017 में दिए गए बयान पर अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। इसे लेकर आयोग ने जो संकेत दिए हैं उससे आने वाले समय में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सजा हो सकती है। ये बात भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने पालमपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहे। आयोग ने आदेश दिए हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच आईजी स्तर के अधिकारी से करवाई जाए और वीरभद्र सिंह ने जो सामुदायिक विरोधी बयान दिया है वो एससी एसटी एक्ट के दायरे में आता है, इसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। आयोग ने ये निर्देश भी दिए हैं कि जो झूठे मुकदमे घायल प्रदर्शनकारियों पर बनाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए और जो घायल हुए थे उन्हें उचित मुआवजा देकर एक माह के भीतर प्रदेश सरकार आयोग को अवगत करवाए। त्रिलोक कपूर ने कहा कि शिमला में हुई घटना पर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, उस समय वो कहां थे जब धर्मशाला में गद्दी समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि आयोग शीघ्र ही प्रदेश का दौरा करेगा जिसमें छोटा व बड़ा बंगाल के जनजातीय दर्ज के विषय से लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान स्थानीय प्रशासन के साथ भी अलग अलग बैठकें करेंगे। इस अवसर पर भाजपा ट्राइबल मोर्चा के जिला अध्यक्ष ललित कपूर, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र कपूर, पालमपुर के अध्यक्ष डॉक्टर हरवंश और गद्दी यूनियन के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश भी मौजूद रहे। लाठीचार्ज वाला जो विषय है, लाठीचार्ज तो लाठीचार्ज गंभीर मामला जी। अब शिमला में जो कल परसों चौथ जो लाठीचार्ज विधानसभा में हुआ है कांग्रेस वाले बड़े चिल्हारे हैं। अरे जब धर्मशाला में मारेपुर लाठीचार्ज हुआ था तब तो उनको दर्दनीय नजर आया, तब तो उनके जो सिलसिलाकार थे चाहे वो ठाकरे सिंह बरमौरी थे चाहे कोई अन्य और भी उनके सिलसिलाकार जो गद्दी समाज के कुछ लोग थे जो उनके बहुपू बनकर जो कौसरे थे तब तो उनको दर्द नजर नहीं आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट, मैं हिमाचल में पालमपुर में इसको डिस्प्ले कर रहा हूं। ये अभी मैंने कल ही होम सेक्रेटरी से बात की, बोलते अभी हमें पहुंची नहीं है प्रोसीडिंग और एक महीने के अंदर वीरभद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। वीरभद्र सिंह जितना बड़ा नेता क्यों ना हो, उसने जुल्म किया हमारे साथ और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने बड़ा साफ कहा है कि ऐसी एक संवैधानिक संस्था है कि जिसके पास ऐसे पर्याप्त अधिकार है जिसके तहत वो कार्रवाई के लिए सक्षम है। ये मैंने आपके साथ, मैंने इसके लिए आपकी सुविधा के लिए प्रेस नोट भी बनाया है जो थोड़ा सा और आपको जब ये विषय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी के ध्यान में आया, उन्होंने विशेष तौर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामविचार नेताम जो राज्यसभा के सांसद भी है उनको विशेष तौर पर धर्मशाला भेजा कि वो पूरी एक रिपोर्ट पार्टी को दे। श्री रामविचार नेताम जी शाहपुर के वहां आए थे और सब लोगों से मिले भी, तो कांग्रेस वालों को लगा कि हमने जो कर दिया वो कर दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका दर्द कहां तक महसूस होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरी पार्टी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस विषय के दर्द को समझा। अगले महीने में अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेगा समुदाय? नहीं, समुदाय को जरूरत नहीं पड़ेगी, आयोग सक्षम है, आयोग के पास पूरी वीडियोग्राफी है, आयोग के पास सारे साक्ष्य हैं। आयोग को कोई अभी समुदाय के सहयोग की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने सारी छानबीन कर ली है। अब तो उन्होंने निर्देश कर दिए हैं कि प्रदेश का प्रशासन इन चार पांच बिंदु पर कार्रवाई करके हमें एक महीने के अंदर बताए और एट्रोसिटी एक्ट जो एक्ट है अब तो पार्लियामेंट में उसमें बड़ा संशोधन होकर वो बड़ा अब और कठोर बन गया है। तो वीरभद्र सिंह अब इससे बाहर नहीं निकलेंगे, उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी और उनको भी मिलेगी, उनके वो जो अधिकारी थे उनको भी मिलेगी, वो भी नहीं बचेंगे बिल्कुल।